लेडीज एंड जेंटमैन जेरियर व्यू ऑन आंटरप्रनशिप मॉड्यूल एलेवन वेरी इंपॉर्टेंट दिस मॉडल कॉल्ड ए स्पॉन्टेनियस मॉडल और इसको अगर आप आसानी के लिए समझें कि रिएक्टिव टू चेंज मॉडल अचानक से कोई चीज़ आती है मुझे फौरी तौर परिटी के साथ फौरी डिसीजन लेना है अच्छा विदिन नो टाइम का मतलब ये नहीं होता कि मैंने कैलकुलेट नहीं करना

फॉरी तौर पे निगाह डालता हूं यानी रिजल्ट्स की तरफ रिजल्ट क्या होगा अप्रोच क्या होगी प्लान क्या होगा कोऑर्डिनेशन क्या होगी इनिशिएशन कैसी होगी और उसका आउटपुट क्या होगा यानी एक्सप्लॉइटिंग विच कॉन्स्टिट्यूट मार्केट प्रोसेस अब इसके अंदर हम ये देखते हैं कि ये कहता क्या एंड मैकेनिकल यानी आपकी क्रिएटिविटी जो है वो ह्यूमन क्रिएटिव और रादर पैसिव ऑटोमेटिक और मैकेनिकल अप्रोच के साथ आपने क्रिएटिव कैसे होना है आपकी आपकी एंटरप्रेन्योरियल अलर्टनेस यानी इसमें मुझे रिजल्ट नजर आ रहा है एंड हिट इट क्लिक इट हिट एंड क्लिक हिट एंड क्लिक इसको आ, का जेरियर मॉडल भी कहा जा सकता है मेन uh, आइडिया के अंदर इसको स्पॉन्टेनिटी या स्पॉन्टेनियस लर्निंग भी कहते हैं न्यू क्लासिकल मॉडल के अंदर देखूं तो

नॉलेज जो है वो मेरे पास आपकी जो मैंने तीन आ, आपकी तसलीस बनाई थी इस तरह करके यानी अकलीत हसीयत और ऑब्जर्वेशन यानी आपका मुशाहिदा यानी एम्पेरियलिजम रेशनैलिटी एंड देन इज द ऑब्जर्वेशन दिस इज वॉट हाउ वी नो एंड हाउ वी द नॉलेज इनटू टू इंफॉर्मेशन अब हम यहाँ पर देख चुके कि क्रजेरियन मॉडल जो है वो बेसिकली स्पॉन्टेनिटी की तरफ लेके जाता है रिएक्टिव होता है और चेंज की तरफ डिस्क्राइब करता है और फौरी डिसीजन लेता है यानी सिचुएशनल लीडरशिप की तरफ आपको मार्क करता है यहाँ तक हम अपनी थेरीज को देख चुके अब हम अगली थेरीज में देखेंगे कि बिजनेस डेवलपमेंटल मॉडल्स के अंदर ये थेरीज किस तरीके से ली और आने वाली थेरीज के अंदर हम ये भी डिस्कस करेंगे और वो कौन से थेरिस्ट थे जिन्होंने बड़े स्ट्रक्चर्स की तरफ और बिजनेस स्ट्रक्चर्स और बिजनेस एम्पायरस की तरफ इन थेरीज को इंडक्ट करते हुए रिजल्ट्स रिजल्ट भी लिए थैंक यू वेरी मच